हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, RBI सिक्योरिटी गार्ड के इंग्लिश के सेट 4 मैं लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैं बता दूं कि आपके इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सेट डेली बेसिस पे आपके लिए आ रहे हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखिए, आप नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होंगे और आने की संभावना रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलेंगे। इसके पहले एक और बता दूं कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने बताया कि अगर आपका RBI सिक्योरिटी गार्ड में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या सैलरी मिलेगा, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सिनोनिम कह रहा है। मैंने आपको बताया कि सिनोनिम किसे कहते हैं, सेम मीनिंग को कहते हैं। सेम मीनिंग अगर हिंदी में कहा जाए ना, इसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। किसका? वोरेसियस का। वोरेसियस का सिनोनिम क्या होगा आपको बताना है। तो वोरेसियस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इसको कहा जाए ना तो इसे कहते हैं भुक्खड़ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भुक्खड़। द वन हु ईट्स टू मच, जो कि बहुत कुछ खाता हो, या खाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? खाऊ। पेटू कहते हैं, ये सब कह सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए देखिए। टेनेसियस। टेनेसियस मीन्स क्या होता है? टेनेसियस मीन्स होता है आसानी से हार नहीं मानने वाला, जो कि आसानी से हार नहीं मानता है। आसानी से हार नहीं मानने वाले को कहते हैं टेनेसियस, हार नहीं मानने वाला। ये सब वर्ड्स को आप लिखते जाइए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑप्शन बी देखिए, ट्रूथफुल है। देखिए भुक्कड़ का क्या ये होगा? ये नहीं होगा, टेनेसियस नहीं होगा सिनोनिम। ट्रूथफुल मीन्स क्या होता है? ट्रूथफुल मीन्स होता है आपका ईमानदार होता है। ईमानदार भी आपका इसका नहीं होगा, सिनोनिम नहीं होगा, पर्यायवाची नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। स्पेसियस का अगर देखें तो स्पेसियस मीन्स होता है विशाल, तो क्या भुक्कड़ और विशाल सेम चीज है? नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ह्यूज रहता तो हो सकता था। अब देखिए अगला है रैवेनस। रैवेनस मीन्स क्या होता है? रैवेनस मीन्स होता है आपका बहुत भूखा, बहुत भूखा, तो ये हो सकता है फ्रेंड्स। हंग्री से रिलेटेड ये भी है, तो बहुत भूखा आपका हो जाएगा इसके आंसर। रैवेनस इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये सब वर्ड्स को आप लोग नोट डाउन करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम है आपका अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स दो चीज होता है, एक तो निष्फल होता है, यहाँ आपका जो इस्तेमाल होगा वो देखेंगे, निष्फल होता है। एक अबॉर्ट होता है मीन्स गर्भपात करवाना, ठीक है। एक अधूरा भी होता है, ठीक है। क्या होता है? अधूरा। अब देखिए क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मीन्स होता है फलदायक, फलदायक या लाभदायक जिसे कहते हैं, फलदायक। ओके ना, तो क्या आपको लगता है निष्फल का फलदायक होगा? नहीं होगा, सिनोनिम आपको खोजना है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, परिचित, ये भी आपका नहीं होगा इसका सिनोनिम। अनसक्सेसफुल मीन्स क्या होता है? अनसक्सेसफुल मीन्स होता है असफल, 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 निष्फल, सेम चीज होता है फ्रेंड्स। असफल और निष्फल क्या हो गया? सेम चीज हो गया, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। कंज्यूमिंग मीन्स क्या होता है? कंज्यूमर, आपने सुना होगा, कंज्यूमर कहते हैं उपभोक्ता को। तो कंज्यूम किसे कहेंगे? खपत करने वाले को। खपत, खपत करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? कंज्यूम कहेंगे, खपत करना, कंज्यूमिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है, एंटोनिम है अपोजिट मीनिंग, जिसे कहते हैं विपरीतार्थक शब्द कहते हैं हिंदी में अगर कहा जाए तो। अपोजिट ऑफ फ्रूगल, फ्रूगल का अपोजिट क्या होता है? तो फ्रूगल मीन्स होता है ना जो कि अल्पव्ययी हो, जो खर्च कंजूस एक तरह से कह सकते हैं, कंजूस कह सकते हैं, या जो बहुत कम खर्च करता है, अल्पव्ययी है, बचाने वाला, जो सेविंग ज्यादा करता है, बचाने वाला। अब इसका एंटोनिम, इसका उल्टा खोजना है। तो जो सेविंग बहुत ज्यादा करता है उसका उल्टा क्या होगा? जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, खर्चीला कह सकते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है खर्चीला, फिजूल खर्च करने वाला, खर्चीला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे सबका मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। मिजरली मीन्स क्या होता है? मिजरली मीन्स होता है लालची होता है। क्या होता है? लालची, मिजरली। ओके ना। मेडियोकर मीन्स क्या होता है? मेडियोकर होता है साधारण होता है, सिंपल, ठीक है, सिंपल कह सकते हैं, साधारण कह सकते हैं। ही इज अ मेडियोकर पर्सन, क्या है? वो बहुत ही साधारण मनुष्य है या व्यक्ति है। साई मीन्स क्या होता है? शर्म, शर्मिंदा, शर्म कह सकते हैं। राम इज अ साई बॉय, ठीक है। राम क्या है? एक तरह का शर्मिला लड़का है, ठीक है, साई पर्सन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ अनकाउथ। एंटोनिम, एंटोनिम मीन्स क्या होता है? अपोजिट मीनिंग, ठीक है। मैंने अनकाउथ पहले ही बताया है आपको। अनकाउथ मीन्स क्या होता है? गवाड़ होता है। मैंने आपको पहले बताया है ये। अनकाउथ मीन्स क्या हो गया? गवाड़ हो गया, या असभ्य कह सकते हैं, असभ्य, ठीक है। अब इसका अगर बात करेंगे, एंटोनिम खोजना है। अनयूजुअल मीन्स क्या होता है? अनयूजुअल होता है असामान्य। इसका अगर एंटोनिम अगर बात करें असभ्य का, तो क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा, ठीक है ना। एलिगेंट मीन्स क्या होता है? एलिगेंट मीन्स कह सकते हैं आप, एलिगेंट मीन्स सुंदर हो गया, सभ्य हो गया, भव्य हो गया, सुंदर, सभ्य, भव्य,
ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया। तो इसका देखिए असभ्य का क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, यही आपका एंटोनिम हो गया, बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, फ्यूरियस कह रहा है। फ्यूरियस मीन्स क्या होता है, उग्र होता है, क्या होता है, उग्र, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट का अगर बात करें, एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है मिलनसार भी कह सकते हैं, या प्रकट करना, मिलनसार, मिलनसार या होगा क्या, प्रकट करना, प्रकट करना, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ना, आपको यहाँ फाइंड आउट करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस है, जो कि मुहावरा जिसे कहते हैं, जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रीडम, इसका ये सब वर्ड्स में से कौन से इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। क्या कह रहा है, द पुलिस डिपार्टमेंट्स वांट अ लिटिल मोर फ्रीडम एट वर्क। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ना, वो क्या चाहता है, आजादी चाहता है, किसमें, कार्य में, मतलब कार्य में बहुत ज्यादा रोक टोक ना हो, ये कहना चाह रहा है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर, रबर रूम होगा, गैप रूम होगा, एल्बो रूम होगा, इंजन रूम होगा, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बो रूम। एल्बो रूम जो होता है, इसका मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। हम लोग बात कर लेते हैं एल्बो रूम के बारे में, तो फ्रीडम एंड एबिलिटी टू एक्ट एज वन वांट्स। तो एल्बो रूम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो आजादी वो एबिलिटी जो कि किसी मनुष्य को जरूरत होता है कोई काम करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, एल्बो रूम कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, याद रखिएगा, आजादी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आई वॉज सस्पेंडेड फॉर ओवर अ मंथ वाइल द मैटर वॉज बींग डिबेटेड। मैं एक महीने तक क्या रहा, सस्पेंड रहा। सस्पेंड मीन्स क्या होता है, जैसे सरकारी नौकरी हुआ, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपके सीनियर साहब को क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, आपको वर्क से छुट्टी देते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है ना। तो वही सस्पेंडेड होता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑन आइस होगा, ऑन क्लॉड 9 होगा, ऑन द रॉक्स होगा, या अंडर द वेदर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑन आइस। ऑन आइस idiom से जिसका मतलब होता है सस्पेंडेड। चलिए हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ऑन आइस मतलब क्या होता है, सस्पेंडेड या लेफ्ट हैंगिंग, जिसे लटका के छोड़ दिया गया, ना जॉब कर सकता है ना जॉब को छोड़ सकता है, उसी को सस्पेंडेड कहते हैं। ऑन क्लाउड 9 ऑप्शंस को देख लेते हैं, ये idiom से इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश है, ऑन क्लाउड 9 है। ऑन द रॉक्स का अगर बात करें, ऑफ अ रिलेशनशिप और एंटरप्राइज, एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, क्या है ऑन द रॉक्स मीन्स क्या, बहुत सारा मुसीबतों को एक्सपीरियंस करना, अनलाइकली टू फेल, और क्या होता है, मुसीबतों के कारण क्या होता है, फेल हो जाता है, ओके ना। अंडर द वेदर का अगर बात करें, अंडर द वेदर इसका मतलब होता है स्लाइटली अनवेल, मतलब मेरा तबियत खराब है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम अंडर द वेदर, मैं क्या हूँ, स्लाइटली अनवेल हूँ। आई एम नॉट कमिंग टू द स्कूल बिकॉज आई एम अंडर द वेदर, क्या हूँ मैं, अनवेल हूँ मैं, ठीक नहीं हूँ, ओके ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, इन ईच क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विथ 4 वर्ड्स गिवन इन वर्ड्स इन द सेंटेंस अमॉन्ग दिस बोल्ड वर्ड वन मे बी रॉन्गली स्पेल्ड। देखिए आपको क्या दिया हुआ, एक सेंटेंस दिया हुआ, इसमें बोल्ड वर्ड देखिए ये है, ये है, और ये है, और ये है, आपको बताना इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलती है। ग्रोविंग, ग्रोविंग मीन्स क्या होता है, बढ़ना, क्या स्पेलिंग गलती है, नहीं सही है। इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स क्या होता है, अर्थव्यवस्था, ये गलत, ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ये भी सही, ये भी सही, मतलब इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोजने आते, ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। कैचिंग का भी स्पेलिंग सही है, मीन्स पकड़ना, एब्सोल्यूट भी सही है, मीन्स इसमें सब सही है, ऑल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बिटवीन द फिस्कल ईयर 2013-18 देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डाइवर्जेंस रादर देन कन्वर्जेंस इन द इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स ऑफ द पुअरर एंड रिचर स्टेट्स। फॉर्च्यून्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्च्यून्स मीन्स होता है भाग्य, होता है क्या होता है, भाग्य, ओके ना। तो फॉर्च्यून्स का स्पेलिंग जो होता है ना, यहाँ पे गलती दिया हुआ है, FORTUNES होता है, ठीक है, यही होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये आपका PQRS है, आपको बैठाना है, कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, देखिए क्या कह रहा है, इट इज ऑफन सेड दैट लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन द सेम प्लेस। कह रहा ना कि ये ऐसा कहा जाता है कि लाइटनिंग में क्या हुआ, बिजली जो है ना एक ही प्लेस पे दो बार नहीं गिरता है, बिजली एक ही प्लेस पे दो बार नहीं गिरता है। ये आपका वन है, ये तो बिल्कुल सही है, कैसे बनाते हैं बता रहे हैं। तो आपको पी क्यू आर और एस को बैठाना है, 1 और 6 आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ट्वाइस इन द सेम प्लेस, बट दिस इजंट ट्रू, ये क्या है, सत्य नहीं है, एक जगह पे गिर सकता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि गो आस्क द फॉरेस्ट रेंजर्स, अब बोल रहा है कि जाओ और पूछो किससे, फॉरेस्ट रेंजर्स से पूछो, ठीक है। रेंजर्स स्पेंड, रेंजर्स जो है अपना समय जो है, समर्स एज फायर फाइटर्स, वे अपने समय को गुजारते हैं फायर फाइटर्स के तौर पे, तो QPS हो जाएगा। और इसके बाद दे विल टेल यू, वे तुम्हें बताएंगे कि थंडर स्टार ब्रिंग सेवरल बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग टू देयर लुकआउट स्टेशंस, वे बताएंगे कि
जो थंडर सावर है ना, जो बिजली गिरता है ना, वो क्या है उनके स्टेशन में कितने बार गिरता है वो बताएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, QPSR हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए क्या कह रहा है, मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल, आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्लास जो है अच्छे से आपके आप में बैठ जाए। ग्लासेस किसको कहते हैं, ग्लासेस कहते हैं आपके स्पेक्टिकल्स को, जो आप चश्मा पहनते हैं उसको ग्लासेस कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या हो सकता है, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बाउट देम, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता है। कीप योर ग्लास इन केस व्हेन यू आर नॉट वियरिंग देम, ग्लासेस को केस में रखना है जब आप नहीं पहन रहे हो तो, ठीक है। द ईयर पीस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयर पीस बाय योरसेल्फ, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है, मेक श्योर योर ग्लासेस फिट वेल, आपको देखना है कि आपका ग्लास फिट वेल हो रहा है कि नहीं, और ईयर पीस शुड बी एट आई लेवल, जो ईयर पीस है वो आई लेवल में होना चाहिए। डोंट ट्राई टू एडजस्ट ईयर पीस बाय योरसेल्फ, खुद से एडजस्ट नहीं करना है, तो आर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर एडजस्ट करने का नौबत आए तो आप कहां जाइएगा, टेक योर ग्लास फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बॉट देम, आपको वहां ले जाना है जहां से आपने उसे खरीदा है, परचेस किया है, आरपी हो गया। अब क्या होगा, कीप योर ग्लासेस इन अ केस व्हेन यू आर नॉट वियरिंग देम, अब आपको क्या करना है, ग्लासेस को ना केस में रखना है, डब्बा में रखना है जब आप उसे नहीं पहने, तो आरपी क्यू हो जाएगा। दे विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, अगर आप डिब्बा में रखेंगे तो क्या होगा, स्क्रैचेस से बचेगा। कीप द ग्लासेस क्लीन एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग, आपको अपने ग्लास पे क्या करना है, क्लीन रखना है और सॉफ्ट क्लॉथ रखना है, किसके लिए, साफ सुथरा करने के लिए। अब देखिए इसमें आंसर है RPQS, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इंग्लिश के PQRS, सिनोनिम, एंटोनिम, idioms एंड phrases एंड रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि और भी आगे इस तरीके से सेट आपके लिए आते रहे। डेली बेसिस पे मैं 3 सेट लाता हूँ और भी लाऊंगा, अगर आप ज़्यादा इसमें आप इंटरेस्ट दिखाइएगा तो मैं और भी सेट लाता रहूँगा, ठीक है, धन्यवाद।